Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm Fatma Zafikar, your professor of plant physiology and ecology. Aaj ka jo hamara lecture hai, wo hai lecture number 12 and the topic is products of photosynthesis. Means photosynthesis ke process mein hame products kya milti hain. Outline check kar lete hain. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मींस इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, होता किस जगह पर है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो अपने फूड को खुद से तैयार करें। इस प्रोसेस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है, वाटर सॉइल से आता है, सनलाइट फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। इन सब के मिलने से शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर जो इस प्रोसेस के दौरान बनती है, उसको प्लांट की फूड कहा जाता है। प्लांट इस फूड को यूज़ करता है अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो इसको स्टोर कर लेता है फॉर लेटर यूज़। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए ये कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ किस किस से बनाता है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर इम्पॉर्टेंस देखी जाए तो उसमें हम तीन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी, फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, फोटोसिंथेसिस एंड इकोसिस्टम। नंबर वन को अगर हम डिस्कस करें तो फोटोसिंथेसिस और सन एनर्जी, इनका क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा ही उस वक्त जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, इस प्रोसेस के ज़रिए सन लाइट जो है, जो लाइट एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मीन्स ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी जो प्लांट यूज़ कर सकता है अपने डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। केमिकल एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होती हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। तो फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल एनर्जी जो आगे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होती है। सेकेंड इज़ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। फोटोसिंथेसिस की जैसे हमने इक्वेशन देखी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रही है। इसका मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ही वो वाटर के साथ मिलेगी, फिर ही सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल है, ये आप जानते हैं। हमारी इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी इन्वायरमेंट से रिमूव कर देता है और उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो फोटोसिंथेसिस इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन होता है उनकी इन्वायरमेंट के साथ। तो फोटोसिस्टम हमारी इकोसिस्टम को क्लीन करता है, हमारे लिए बेहतर बनाता है, फ्रेंडली बनाता है। वो कैसे बनाता है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, ये क्या करता है, हमारी इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उसको इस प्रोसेस में यूटिलाइज करके ये हमारे लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, उसको रिलीज करता है जिससे हमारे लिए जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली हो जाती है।
नेक्स्ट है जी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस ये प्रोसेस होता किस जगह पर है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट एक ऑर्गेनेली है जो हर ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है वो इसमें प्रेजेंट एक पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है, और ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर प्रेजेंट एक फ्लूइड जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, या आपको काइल लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनको थायलाकाइट्स कहते हैं। और जब इनको अरेंज किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, मीन्स स्टैक ऑफ थायलाकाइट्स को ग्रेना कहा जाता है। ये थायलाकाइट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को कैप्चर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइट रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस के वो कहाँ होते हैं, इन द थायलाकाइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, जो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो टाइप के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। फोटोकेमिकल या लाइट रिएक्शन मीन्स थायलाकाइट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो जो लाइट है फ्रॉम सनलाइट उसको अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनसे गुजर गुजर कर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है और एट द एंड कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, जो क्या है, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लाइट रिएक्शन हो रहा है इन द थायलाकाइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बायोकेमिकल आर डार्क रिएक्शन। क्योंकि डायरेक्टली लाइट इस पर फॉल नहीं कर रही तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या है, वो एटीपी और एनएडीपीएच जो कि लाइट रिएक्शन में बने हैं वो इस डार्क रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एंड प्रोडक्ट शुगर बनती है। ये रिएक्शंस होने के बाद वो एनएडीपीएच और एटीपी जो यूटिलाइज होने के बाद एनएडीपी पॉजिटिव और एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो दोबारा लाइट रिएक्शन में चले जाते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस होता रहता है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो टू मेन प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, जैसे हम लोग उस इक्वेशन में देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लांट यूटिलाइज कैसे करता है ये देखते हैं। सनलाइट फॉल करी है, लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल, सॉइल से वाटर और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो एंड प्रोडक्ट्स क्या बनी, स्टार्च एंड ऑक्सीजन। स्टार्च मीन शुगर, कार्बोहाइड्रेट ये ऑक्सीजन स्मॉल पोर्स के जरिए रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और जो स्टार्च है वो स्टोर हो जाती है स्टेम में, इन सम केसेस रूट्स में, इन सम केसेस फ्लावर में, सीड्स में। और ये स्टोर जो है, स्टोर्ड स्टार्च यूज होती है प्लांट की ग्रोथ में और मेंटेनेंस में, फ्लावर्स बनाती है, फ्रूट्स बनाती है और सीड्स बनाती है। सो अगर हम इक्वेशन को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट मेक्स एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिस्ट, फॉलिंग जो है क्या है, प्रोडक्ट्स हैं फोटो हेक्सोजिस, शुगर फॉस्फेट, अमाइनो एसिड्स, स्टार्च एंड ऑक्सीजन।
कुछ फिजियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो हेक्सोसिस है, मींस 6 कार्बन शुगर है, जो बाद में कन्वर्ट होती है सुक्रोज में और फिर स्टार्च प्रोड्यूस होती है। मींस के कार्बोहाइड्रेट पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, देन कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करती है। कुछ के अकॉर्डिंग शुगर फॉस्फेट फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है जो प्रोड्यूस होती है, जिसके बाद सुक्रोज बनती है और सुक्रोज की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मीन्स 6 कार्बन शुगर जो हैं वो अपीयर होती हैं। अकॉर्डिंग टू सम फिजियोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स कुछ अमाइनो एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये अमाइनो एसिड्स बाद में प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज होते हैं इन द सेल। स्टार्च को कंसीडर किया जाता है कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ऐसे प्रोसेस में बनती है जिसको अलग से नाम दिया गया है स्टार्च सिंथेसिस का, मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टार्च बनती है। स्टार्च सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद होता है। सो स्टार्च सिंथेसिस डिपेंड करती है अपॉन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे सिंथेसाइज होती है, फोटोसिंथेसिस की जो एंड प्रोडक्ट है मींस अगर वो हेक्सोसिस हैं तो उनकी मिलने से उनकी कम्प्लेक्सिटी से स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स अच्छी बन रही हैं तो स्टार्च की सिंथेसिस भी अच्छी होती है। सो रेट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस डिपेंड करती है अपॉन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये सिंथेसिस तभी शुरू होगी जब शुगर प्रेजेंट हो। स्टार्च सिंथेसिस उसी वक्त होती है जब सेल के अंदर शुगर प्रेजेंट हो। तो शुगर मींस वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जिसकी ग्रेट सिग्निफिकेंस है इन नेचर। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों के साथ मैंने पहले डिस्कस किया कि ऑक्सीजन हमारे लिए अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो इन्वायरमेंट हमारे लिए फ्रेंडली हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और हमारा ही इसमें फ़ायदा होगा। ऑक्सीजन की क्वांटिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहे।